Hello friends, this is CA Rahul Jain. I started a series Text on YouTubers on my YouTube channel Text Shorts. Today we are coming up with episode 3, GST cashback to YouTubers. जैसा कि हमने episode 2 में discuss किया था कि since you have a contract with Google Singapore, तो आपको आपकी जो services हैं उसको exporter services माना जाता है और अगर आपके पास letter of undertaking है जो GST authority से मिलता है तो आपको GST charge नहीं करना, provided आपके पास letter of undertaking होनी चाहिए. Now in this episode हम discuss करेंगे कि आपको GST का refund कैसे मिलेगा. Last episode में हमने discuss किया था कि आपको GST charge नहीं करना है. That means आपके pocket से कोई भी GST pay नहीं करना है आपको government को अपनी services पे. Now हम इस episode में ये discuss करेंगे कि आपको government से GST का refund कैसे लेना है, GST का cashback कैसे आएगा. बहुत simple है. जब आप कोई as a YouTuber जब आप कुछ जो services देते हैं, आप कुछ services procure भी करते हैं. For example जैसे आप वीडियोस बनाते हैं तो वीडियो एडिटर हायर करते हैं, इंटरनेट के आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप कुछ एक्सपेंसेस इंकर करते हो ऑब्वियसली अपनी वीडियोस को क्रिएटिव बनाने के लिए, राइट. तो जब आप जो एक्सपेंसेस इंकर करते हो तो जो वेंडर होता है वो जनरली अपनी फी के साथ साथ आपको जीएसटी भी चार्ज करता है, ठीक है. जब वो जीएसटी चार्ज करता है तो वो आपको अपनी पॉकेट से जीएसटी पे करना पड़ता है, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस बन जाता है. तो एक्सपेंस हो गया फी और वो जीएसटी चार्ज जो करता है वो आपके लिए इनपुट टैक्स बन जाता है, ठीक है. तो ये जो इनपुट टैक्स है वो आप गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हो. तो आपने पहले पे किया अपनी पॉकेट से, आपके लिए एक तरीके की वो कॉस्ट बन गई बिकॉज आपका कैश आउटफ्लो हो गया, तो आपने वो पे किया वेंडर को, वेंडर ने वो गवर्नमेंट को पे किया. तो आप गवर्नमेंट को ये बोल सकते हो, देखो मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज नहीं करता हूँ, तो ये जो मैंने जो टैक्स पे किया था एक्सपेंसिस पे वो मुझे आप कैशबैक दे दीजिए, वो मुझे आप रिफंड दे दीजिए. दिस इज एज पर द लॉ. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल. अब एग्जांपल वन में देखिए कि एक वेंडर है जो आपको 100 रुपए चार्ज करता है और वो जीएसटी एज अ फी और उस पे अब वो जीएसटी चार्ज करता है 18 रुपए से, तो टोटल कॉस्ट आपको जो पे आउट करनी पड़ती है वो 118 है. लेकिन अगर आपके पास एलयूटी है, एलयूटी है मतलब अगेन गोइंग विद द डिस्कशन जो हमने एपिसोड 2 में किया था, अगर आपके पास एलयूटी है तो आप गवर्नमेंट को ये बोलोगे कि मेरे पास एलयूटी है, मैंने एक्सपोर्ट और सर्विसेज करी हुई है, तो आप प्लीज जो मैंने ये जो जीएसटी चार्ज जीएसटी पे किया वेंडर को वो उसका आप मुझे रिफंड दीजिए. सो दैट मींस आप गवर्नमेंट से वो 18 रुपए क्लेम कर सकते हो जो आपने एक आपके ऑलरेडी पॉकेट से निकल गए हैं, जो आपने वेंडर को पे किया, वेंडर ने गवर्नमेंट को पे किया. देन आप गवर्नमेंट के पास जाके ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट मैं एक्सपोर्ट और सर्विसेज करता हूँ, मेरे पास ये एलयूटी है, तो ये जो इनपुट मैंने पे किया, ये जो मैंने जीएसटी पे किया उसका आप प्लीज मुझे रिफंड दे दें. सो अगेन इट्स अ कैश इनफ्लो, इट्स अ कैश बैक. तो कनेक्टिंग टू एपिसोड्स, एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3, आप एक्सपोर्ट और सर्विसेज करते हैं, आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना, एलयूटी लीजिए और जो भी एक्सपेंसेस आपने पे किए उस पर अगर कोई जीएसटी पे किया है तो आप वो गवर्नमेंट से रिफंड ले लीजिए. सो इट्स ऑल टुगेदर अ गुड बेनिफिशियल प्रोविजन फॉर यू वेन एवर यू रेंडर सर्विसेज टू गूगल सिंगापुर, ठीक है. बट उसके लिए आई थिंक यू शुड मेंटेन सम की डॉक्यूमेंटेशन जो हमने लास्ट टाइम भी रिकॉर्ड डिस्कस किया था. आप इनवॉइसेस जरूर मेंटेन करें, प्रॉपर इनवॉइसेस का फॉर्मेट होता है, उस इनवॉइसेस में एलयूटी नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है. अगर इफ यू वॉन्ट द सैंपल और अ फॉर्मेट ऑफ एन इनवॉइस यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट एंड आई कैन सेंड यू. एलयूटी आपको हर ईयर लेनी है, एवरी ईयर यू हैव टू ऑब्टेन, इट्स जस्ट अ 5 or 10 मिनट टास्क. Obtain an LUT every year. And also, आपको payments outside India से आ रही है, that means from Singapore. Singapore से आपको payment आ रही है, तो government जो bankers होते हैं वो एक तरीके के certificate issue करते हैं, which it's a certificate of receiving payment from outside India. Technically उसको बोला जाता है foreign inward remittance certificate, FIRC. तो वो भी आप अपने banker से लेके अपने records maintain करिए, ठीक है. तो in a nutshell, GST is very beneficial जब आप export of services करते हो, अपनी services पे charge मत करो और जो भी expenses पे आपने GST pay किया वो आप government से refund ले सकते हो. It's a good cashback mechanism that government has provided in the GST law. This is for a very brief discussion in the for GST provision. Thank you.